प्रधानमंत्री जी ने 33% महिला आरक्षण दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी महिलाएं और हमारे अंदर एक खुशी है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आए हैं, और जो आप ये देख रहे हो आज जन भावना, वो भावना भी उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बिल से महिलाओं को जो मान सम्मान दिया है माननीय मोदी जी ने, तो सभी उत्साहित है, और पहले भी मोदी जी के साथ से और मोदी जी के साथ अभी महिलाओं की भावनाएं और जुड़ चुकी है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 10 साल बाद लागू करेंगे और हम वो आज ही चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अलग विषय, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है, हम सभी महिलाओं के लिए मान सम्मान की गर्व की बात है कि माननीय मोदी जी हमारे लिए बिल लेकर आए हैं और महिलाओं का मान सम्मान इसे बढ़ाया है पूरे देश में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम सब में खुशी की लहर है और हम तन मन धन से मोदी जी के साथ है। पहले ही महिलाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी महिलाओं के प्रति, जैसे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय की हो, वो महिलाओं का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया, और आज 33% आरक्षण करके और उन्होंने महिला सशक्तिकरण में एक और नया कदम उठाया, इसके लिए सारी महिलाएं तन मन धन से उनके सहयोग में साथ। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, स्पष्ट है कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं, और महिलाओं के मान सम्मान के लिए जितना कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान के लिए कार्य किया है, महिलाएं उनके प्रति बहुत ही आत्मीय भाव से उनका सम्मान करती है, क्योंकि महिलाओं को पता है कि मान सम्मान कोई दे सकता है तो वो मोदी जी ही दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं को मान सम्मान मिला। इस बार महिलाएं व्यवस्था संभाल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया है, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, प्रारंभ काल से ही महिला का सम्मान करती है, और उसी क्रम में यह नारी शक्ति बिल पारित किया गया है, और ऐसा नहीं है कि आज की व्यवस्थाएं महिलाओं को दी गई है, इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी में अनन्य व्यवस्थाएं महिलाओं को दी जाती थी, आज पूरा पंडाल उनको जिम्मेदारी से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान बना है, उस संविधान में भी एक महासचिव का पद महिला के लिए आरक्षित है, यह भारतीय जनता पार्टी के संविधान में पूर्व से ही व्यवस्था है, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान होता है, और महिलाएं आधी आबादी है, लेकिन उसकी आप भी आधी आबादी को पूर्ण सम्मान तभी मिलेगा जब वो राजनीति में भी उनको अधिकार मिलेगा, और वो मार्ग प्रशस्त करने का काम, एक बहुत बड़ा इतिहास बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और आज चूंकि वो जयपुर आ रहे हैं, है ना, इस बिल के पारित करने के बाद प्रथम बार उनकी जयपुर में सभा है, और इसलिए महिलाओं में बहुत उत्साह है, और महिलाएं बखूबी इस यात्रा को सफल बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं। 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव है, इसमें कितना आपको लगता है कि मोदी जी आने के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के आने के बाद 100% फर्क पड़ने वाला है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी, और फिर 5 साल तक वो झूठ बोलते रहे, सत्ता के संघर्ष में उलझते रहे, जनता का ध्यान नहीं रखा, और चुनाव आ रहे हैं तो आनंद फानंद में वो रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है, और 2023 और 2024 पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। जो परसों राहुल गांधी जी आए हैं, उसके क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि कितनी विधानसभा सीटों पे फर्क पड़ सकता है उनके आने से? जो आए राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिस तरह से उनकी सभा में कुर्सियां खाली रहीं, पूरा मंच अव्यवस्थित रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं उनको पहले बुलाया गया, बाद में उनका राहुल गांधी का नाम बुलाया गया, लेकिन फिर बाद में परिवर्तित किया गया, तो इससे मेरे को लगता है कि पूरी तरह से इस असमंजस की जो स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि घबराए हुए कांग्रेस के लोग कि राजस्थान से हमारी सत्ता जाने वाली है, और आप दूसरी तरफ देखिए मोदी जी के इतने किलोमीटर्स तक, सैकड़ों किलोमीटर्स तक पूरी रैलम पैल है, गाड़ियाँ जहाँ तक दूर दूर तक देखिए हमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही है, बहुत दूर दूर तक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है।